अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से सीख कबाब। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 1 किलो कीमा, ये प्याज और ग्रीन चिलीज़ को मैंने क्रश करके रख दिया है, 2 टेबल स्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा मिंट लीव्स और ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर, और साथ में हमें चाहिए स्पाइसेस। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जितना सारा था प्याज, ग्रीन चिलीज, धनिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। ड्राई स्पाइसेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3 और थोड़ा सा और, टेस्ट के हिसाब से अपने कर सकते हैं, क्योंकि कबाब बनाने हैं, कबाब में काफ़ी जूसेस जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो सॉल्ट कम ना हो जाए इसलिए मैंने सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से। ये 2 स्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर, 3 टीस्पून्स ये कोरिएंडर एंड ज़ीरा पाउडर टुगेदर है दोनों, 1 decent अमाउंट ऑफ लेवल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर, 1 full spoon ऑफ पेपरिका और तकरीबन 3/4 ब्लैक पेपर, 1 spoon ऑफ चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1/2 spoon ऑफ सिनेमन पाउडर और 1 decent spoon ऑफ गरम मसाला पाउडर, और फिर माई फेवरेट कलवंजी एंड अजवाइन हाथ के साथ क्रश करके 1/2 spoon ईच, ये मेरा फेवरेट है, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा भी बहुत रखी है तो मैं अपने खानों में इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हम ये 1 अंडा और तकरीबन 3 spoons ऑफ, 3 ये big tablespoons ऑफ मैदे के, या सेल्फ रेजिंग फ्लावर, प्लेन फ्लावर, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं इवन, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जी, इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और इसको कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और ये ठंडा यक होगा कीमा तो इसके कबाब बहुत इजी होंगे बनाना। तो मिलते हैं फिर तकरीबन 2 घंटे में। हाँ जी, ये कीमा मैरिनेट हो गया है, इधर मैंने ये सलाखें ली हैं, तो हम अब कबाब लगाना शुरू करते हैं। ऐसे एक हैंडफुल ऑफ कीमा लेके थोड़ा सा टैप किया, हाथ गीला करके, और फिर बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। इसको आराम आराम से स्प्रेड करते जाएं और ये एक रेडी है। अच्छा, इसको हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं लेकिन आज मैं इसको ग्रिल में बना रही हूँ। ये जो इसकी सलाखें होती हैं वो इस तरह की स्क्वायर वाली होनी चाहिए, तो इसको टर्न करना इजी होता है। अगर सपोज फ्लैट वाली है तो इसके साथ ही 2 बारीक मिलेंगी, ये इसकी ग्रिप के लिए यूज़ हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आ गए जी ग्रिल में। अच्छा, इसका सेम प्रोसीजर है जैसे बारबेक्यू करते हैं, उसके नीचे से हीट पड़ती है लेकिन ये ग्रिल में ये ऊपर से हीट पड़ रही है। बस 3-4 मिनट के बाद इसको बस हम टर्न करते जाएंगे कि ये इवनली कुक होता जाए। अगर सपोज बारबेक्यू या ग्रिल नहीं है तो इसको छोटे स्क्यूर्स में करके तो इसको उतार लें, और हम इसको किसी भी फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, तवे के ऊपर बना सकते हैं। अगर आपको उसको कोल का टच देना है तो कोल का स्मोक करके वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर वही सेम रहेगा। Yes.
ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसको सर्व करें फ्रेश सैलड के साथ, अपनी चॉइस की ब्रेड के साथ। होपफुली यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ ट्राई करें इसको और इसका मुझे फीडबैक दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।